दोस्तों ये है वो टैबलेट जिस टैबलेट का ऊपर और एक वीडियो बनाने के लिए आप लोगों का काफी ज्यादा डिमांड था। एक्चुअली ये जो टैबलेट है बहुत ज्यादा फेमस टैबलेट है, आप में से कुछ लोग जानते ही होंगे। इसका नेम है हिमालय का कॉन्फिडो टैबलेट, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर टैबलेट है। इस टैबलेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ, आप में से कुछ लोग जानते ही होंगे टैबलेट कैसे काम करता है। अगर आप लोगों का लिंग में ढीलापन आ जाता है, शीघ्र पतन होता है, टाइमिंग्स कम है, ड्राइवनेस कम है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, इरेक्टल डिस्फंक्शन होता है, या तो फिर अगर आप लोगों का लो स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम होता है, यानी कि ओलिगोस्पर्म स्पर्मिया का प्रॉब्लम होता है, तो इस टैबलेट को लेने की वजह से बहुत ही बढ़िया काम करता है। आपका जितना सारा प्रॉब्लम मैंने बताया वहां से आप लोगों को छुटकारा मिल सकता है। लेकिन एक्चुअली इस टैबलेट को लेते समय आप लोगों का काफी ज्यादा परेशानी आता है, कॉन्फ्यूजन होता है। एक्चुअली इस टैबलेट के बारे में यूट्यूब पर काफी सारा वीडियो अवेलेबल है, जिस जहां पर कुछ लोग बताते हैं इस टैबलेट को लेकर इस टैबलेट को एम्प्टी स्टोमक यानी कि खाली पेट में लेना है, कुछ लोग बताते हैं इस टैबलेट को खाने के बाद लेना है, कुछ लोग बताते हैं इस टैबलेट को दिन में एक टैबलेट करके दो बार लेना है, कुछ लोग बताते हैं इस टैबलेट को दो टैबलेट करके दिन में दो बार लेना है, कुछ लोग बताते हैं इस टैबलेट को सुबह और रात को लेना है, कुछ लोग बताते हैं इस टैबलेट को दोपहर को रात को लेना है, कुछ लोग बताते हैं इस टैबलेट को सिर्फ पानी के साथ लेना है, कुछ लोग बताते हैं इस टैबलेट को सिर्फ दूध का साथ लेना है, या तो फिर गर्म दूध या तो फिर नॉर्मल वाटर का साथ लेना है। और एक चीज है, इस टैबलेट का जो साइड इफेक्ट के बारे में भी कुछ वीडियो अवेलेबल है, कुछ लोग बताते हैं इस टैबलेट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और कुछ लोग बताते हैं इस टैबलेट को लेने की वजह से साइड इफेक्ट हो सकता है। तो आखिर आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का कॉन्फ्यूजन को क्लियर कर दूंगा और मैं डिटेल्स में बताऊंगा आखिर इस टैबलेट का लेने का एक्चुअल तरीका क्या है, आपको कितने टैबलेट दिन में लेना है, कब लेना है, किसका साथ लेना है, और साथ में मैं बताऊंगा इस टैबलेट का कोई भी नुकसान होता है या नहीं, यानी कि साइड इफेक्ट होता है या नहीं, वो मैं डिटेल्स में बताऊंगा। और एक चीज मैं बताऊंगा, एक आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर का मैं प्रेस्क्रिप्शन को लाइव में आप लोगों को दिखाऊंगा, जो कि एक आयुर्वेद डॉक्टर प्रेस्क्राइब किया था इस टैबलेट को डिटेल्स देने के लिए, जो कि जो डॉक्टर हमारा चेंबर में बैठते हैं, इस डॉक्टर के अनुसार इस टैबलेट का लेने का सही तरीका क्या है, प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ के भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए सभी के पास रिक्वेस्ट है, आज के इस वीडियो का किसी भी पार्ट को स्किप मत करके लास्ट तक देख के जाना। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इस हिमालय का कॉन्फिडो टैबलेट के बारे में, जो कि आई बटन पर मैं एक वीडियो दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और डिटेल्स में जानना है तो इस टैबलेट का ऊपर एक वीडियो है, आई बटन पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं बताऊंगा इस टैबलेट का लेने का तरीका क्या है, क्या क्या कॉम्पोजिशन मौजूद है, कब आपको लेना है, साइड इफेक्ट होता है नहीं, वो मैं डिटेल्स में बताऊंगा। इसलिए सभी के पास रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है हिमालय का कॉन्फिडो टैबलेट, जो कि सिंस 1930 और यहाँ पर टैबलेट लिखा गया है जो कि 60 टैबलेट इसके अंदर मौजूद है। और ये जो टैबलेट है एक्चुअली इसका डोज आप देख सकते हैं इस जगह में दिया गया है 1 टैबलेट 2x डेली, यानी कि एक टैबलेट करके दिन में दो बार लिखा गया है, या तो फिर और एज डायरेक्टेड बाई योर डॉक्टर। तो यहाँ पर इसका और एक भी डिटेल्स के बारे में दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है स्टोर इन ए ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट हीट एंड सनलाइट, डू नॉट रेफ्रिजरेट, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसका जो प्राइस चल रहा है आप देख सकते हैं 170 इसका प्राइस है। और इस टैबलेट का हालांकि जो पार्चेस लिंक है, मैं इस टैबलेट का पार्चेस लिंक इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देने का कोशिश करूंगा, आप जाके इस टैबलेट को बाई कर सकते हैं। तो चलिए इस टैबलेट का कॉम्पोजिशन के बारे में थोड़ा सा मैं जान लेता हूँ, हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टैबलेट का कॉम्पोजिशन काफी सारा सुपर कॉम्पोजिशन मौजूद है। पहले आप देख सकते हैं कुछ एक्सट्रैक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं बीरद दारू जो कि 38 mg है, उसके बाद गोकसुरा 38 mg, जीवंती 38 mg, शैलियम 20 mg, उसके बाद कुछ पाउडर है आप देख सकते हैं इस जगह में दिए गए, जो कि अश्वगंधा 78 mg है, कोकिलक्षा 38 mg है, विनय काहू 20 mg है, कपी काचू 20 mg है, और यहाँ पर देख सकते हैं सर्णभागा 20 mg है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा इसका सुपर कॉम्पोजिशन को देके इस टैबलेट को एक्सट्रैक्ट किया गया है, तैयार किया गया है, जो कि बेहतरीन काम करता है। यह है हिमालय का कॉन्फिडो टैबलेट। अब मैं आपको लेके चलूंगा उसी प्रेस्क्रिप्शन पे, जो प्रेस्क्रिप्शन हमारा चेंबर में एक डॉक्टर बैठते हैं आयुर्वेद डॉक्टर, उस डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन का हिसाब से इस टैबलेट को लेने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह है एक
डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन, आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को दिखा था अभी आयुर्वेद प्रोडक्ट है, इसलिए आपको आयुर्वेद डॉक्टर का एडवाइस ही लेना है। ये जो डॉक्टर है हमारा चेंबर में बैठते हैं, इस डॉक्टर एक आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर है, जो कि एक पेशेंट को दिया था, हमारा लैब में एक पेशेंट आया था, पेशेंट को दिया था, इस पेशेंट का एक्चुअली इस टैबलेट का डोज क्या है, पेशेंट को क्या दिया था वो मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए इस जगह में दिए गए एडवाइस दिए गए आप देख सकते हैं, और यहाँ लिखा गया आप देख सकते हैं टैबलेट कॉन्फिडो, कॉन्फिडो टैबलेट, और इसका डोज इस जगह में आप देख सकते हैं लिखा गया है क्लियरली वन टैब बीडीएसी। वन टैब बीडीएसी का मतलब है एक टैबलेट करके दिन में दो बार, बीडी का मतलब है दिन में दो बार, और एसी का मतलब है खाने का पहले, खाने का पहले आपको लेना है। तो इस जगह में साइड में आप देखिए एक इंडिकेशन दिए गए लिखा गया है 10 मिनट्स बिफोर मील, यानी कि खाने का जब आप इस टैबलेट को ले रहे हैं तो इस टैबलेट का लेने का 10 मिनट यानी कि कुछ खाने का 10 मिनट पहले आपको इस टैबलेट को लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है बिफोर लंच और बिफोर डिनर, यानी कि दोपहर को खाने से पहले लेना है और रात को खाने का पहले लेना है। तो आप देख सकते हैं यानी दोपहर को 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आपको लंच करने का 10 मिनट पहले आपको इस टैबलेट को लेना है, और रात को यानी कि डिनर करने का 10 मिनट पहले आपको इस टैबलेट को लेना है। समझ लिया? तो और एक कॉन्फ्यूजन आप लोगों का होता है इस टैबलेट को कितने दिन तक लेना पड़ेगा। तो देखिए फास्टली इस टैबलेट को जो लेना पड़ेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर ने लिखा है 3 मंथ्स तक आप लोगों को लेना है इस टैबलेट को, पहले 3 महीने तक आप लोगों को इस टैबलेट को कॉन्टिन्यूसली लेना है, उसके बाद आपका जिस तरह का प्रॉब्लम है वो आपको छुटकारा मिल जाएगा। और यहाँ पर इसका जो टैबलेट है आप देख सकते हैं 3 महीने तक लेना है, जिस तरह का मैंने बताया पहले आपको लेना है। फिर भी मैं बता देता हूँ इस टैबलेट को एक टैबलेट करके दिन में दो बार लेना है, खाने का पहले लेना है, खाने का पहले यानी 10 मिनट पहले, दोपहर को 10 मिनट पहले बिफोर लंच यानी कि लंच करने का 10 मिनट पहले आप लोगों को लेना है, और डिनर करने का यानी कि रात में खाने का 10 मिनट पहले आप लोगों को लेना है। और एक चीज है आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखिए इस टैबलेट को लेने की वजह से कुछ थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी आ सकता है, कुछ साइड इफेक्ट आ सकता है, आप लोगों को ध्यान से समझना है। देखिए इस टैबलेट को लेने की वजह से आप लोगों का कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम आ सकता है, शुगर का प्रॉब्लम आ सकता है, दिल का दौरा भी बढ़ सकता है, और साथ में अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा मेडिसिन ले रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। और एक चीज है, अगर आप लोगों का शुगर का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या तो फिर हार्ट डिजीज है, हार्ट का कोई भी बीमारी है, किडनी का कोई भी बीमारी है, लंग्स का कोई भी बीमारी है, लिवर का कोई भी बीमारी है, प्रोस्टेट का बीमारी है, आपका यूरिन का यूरिनरी ब्लैडर में कोई भी इंफेक्शन वगैरह है, तो सबसे बेस्ट है आप नजदीकी आपका किसी भी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके इस मेडिसिन को ले तो सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि इस टैबलेट को लेने की वजह से कुछ साइड इफेक्ट भी आ सकता है, ठीक है ना, आपका सर में चक्कर भी आ सकता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है, जिस तरह का मैंने जस्ट नॉलेज देने के लिए आप लोगों को मैं आप लोगों को बता दिया कि इस टैबलेट का कुछ इस तरह का डोज हो सकता है और इतना दिन लेना है, एक आयुर्वेद डॉक्टर है, प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर किया था, एक पेशेंट हमारा लैब में आया था, जो कि कुछ पेशेंट अगर आता है मैं भी कुछ पेशेंट को इस टैबलेट रिकमेंड करता हूं, लेकिन पहले एक चीज जान लेना है, पेशेंट को फिजिकली डॉक्टर को मीट करना बहुत ज्यादा जरूरत होता है, उसका कुछ चेकअप अगर सच में कोई भी दिक्कत है कुछ चेकअप होगा, बीपी चेक होगा, शुगर चेक होगा, उसके बाद इस मेडिसिन को स्टार्ट किया जाएगा। कुल मिले के बाद यह है, इस टैबलेट को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका नजदीकी किसी भी जगह में आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके इस मेडिसिन को ले तो सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा। तो दोस्तों आई होप हिमालय का कॉन्फिडो टैबलेट के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से जो चीज मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश किया था और आप लोगों का जितना सारा कॉन्फ्यूजन हो रहा था फाइनली वो क्लियर हो चुका है। लेकिन फिर भी इस टैबलेट को लेकर अगर आप लोगों का कहीं भी जगह में कोई भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रहा है, तो आप इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप यानी कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कमेंट करके भी बता सकते हैं। अदरवाइज फिर भी किसी भी टाइप का कॉन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी पे आ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी का डायरेक्ट लिंक भी आपको इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और ये जो टैबलेट है इस टैबलेट का परचेस लिंक भी मैं इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डालने का कोशिश करूंगा। तो आई होप आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका कॉन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो का यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।